हेलो नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज आप सभी लोग के लिए मैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग के लिए बम्पर वैकेंसीज़ यहाँ पे निकली हुई है। आप लोग अगर वीडियो स्किप करोगे तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें मेरे दोस्तों। इससे आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और एजुकेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों, उसके बारे में भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाइक ये जो वैकेंसी निकली है वॉक हार्ट हॉस्पिटल के तरफ से निकला हुआ है, जिसमें आप सभी लोग के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसमें आप लोग अगर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल फील्ड से हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वैकेंसीज़ माना जाएगा दोस्तों। बिकॉज़ आजकल के समय में जो वैकेंसीज़ निकल रही है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में निकल रही है, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्स 400 to 500 वैकेंसीज़ निकल चुकी है, जिसमें आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल इसका यूटिलाइज़ करें, बिल्कुल समय को बर्बाद ना करें। आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा और आप लोग के लिए इंटरव्यू के लिए भी ज़रूर बुलाया जाएगा। तो गाइस, मैं आप लोग को ये बता दूँ कि ये जो वैकेंसीज़, पहला वैकेंसी निकला है MD DNB, अगर आप लोग ने किया है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो पोस्ट है कंसल्टेंट के लिए है, पेडियाट्रिक्स के लिए है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे रीड करके आप लोग को मैं बता देता हूँ कि आप लोग को क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोग को किस तरह से अप्लाई करना रहेगा। देखिए, अभी पैंडेमिक के टाइम पे आप देख ही रहे हो कि किस तरह से अभी जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे अभी वैकेंसीज़ की काफ़ी ज़्यादा भरमार निकली हुई है। तो यहाँ पे जो देखिए वैकेंसीज़ हैं, अगर आप लोग का 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर देखिए इसमें क्या है कि ये स्पेशल वैकेंसीज़ निकाला गया है ड्यू टू द कोविड, तो देखिए आप लोग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का इंक्वायरीज, अगर क्वेश्चंस आप लोग पूछना चाहते हैं तो ये ईमेल यहाँ पे दिया हुआ है consultants@workhearthospital.com। तो यहाँ पे आप लोग किसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं डायरेक्ट हॉस्पिटल से। आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग देखिए यहाँ पर नॉर्मली आपका डिटेल्स यहाँ पर फिल कीजिए दोस्तों। ये फिल करने के बाद आप लोग को क्या करना है, रेज्यूम सबमिट करना है और डायरेक्ट सबमिशन हो जाएगा यहाँ पे। तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल्स फिल कीजिए और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो इसी तरह से जितने और भी वैकेंसीज़ है वहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है। अगला जो वैकेंसी है दोस्तों वह है कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन के लिए, फिजिशियंस के लिए, जिसमें आप लोग को MD DNB होना ज़रूरी है। अगर आप लोग 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, तभी जाकर आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप लोग इसके लिए यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों। जो अगला वैकेंसी है कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी के लिए, जिसमें MCH DNB न्यूरो सर्जरी यहाँ पे होना ज़रूरी है, विद द 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम है 10 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस अगर आप लोग का होता है तो बहुत अच्छी बात है। एप्लीकेशन जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो सेम रहेगा आप लोग को, आपका ईमेल एड्रेस हो गया, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और नेम, ये और रेज्यूम के साथ साथ। रेज्यूम इस तरह से आप बना के रखिए कि जो रिक्रूटर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करें और एक ही बार में आप लोग को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाए। बिकॉज रेज्यूम ही बताता है कि किस तरह से कैंडिडेट उसको मतलब जॉब की ज़रूरत है या नहीं है, तो उसी हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा कंपनीज होती है वो कैंडिडेट में सर्च करती रहती है कि वो अपने काम को लेके सीरियस है या नहीं है। इन द फ्यूचर में अगर वो कैंडिडेट को हायर करते हैं तो किसी प्रकार का सीरियसनेस दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं तो उनको हायर नहीं किया जाता। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर होता है, हर एक इंडस्ट्रीज़ हो गया, हर एक हॉस्पिटल्स हो गया, तो ये इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दें दोस्तों। जो अगला वैकेंसी है सर्जरी के लिए, सर्जिकल के लिए है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के लिए है दोस्तों। तो यहाँ पे भी आपको MCH DNB होना ज़रूरी है। देखिए मैं पूरा डिटेल्स आपको बता देता हूँ, लेकिन जो अप्लाई करने का जो भी सेम डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उससे आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा उसके अंदर, ठीक है। तो देखो जो अगला वैकेंसी है वो है कंसल्टेंट एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए है दोस्तों। इसमें आप लोग को अगर मिनिमम
थोड़ा बहुत भी अगर एक्सपीरियंस है, लगभग यहाँ पे 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोग फ्रेशर भी है यहाँ पे, फिर भी जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर एक्सपीरियंस आप लोग को है तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, बट जो फ्रेशर्स हैं वो घबराए नहीं, उनका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा यहाँ पे। जो अगला वैकेंसी है वो है इंटरनल मेडिसिन के लिए, फिजिशियन के लिए। यहाँ पे जो लोकेशन देखिए रहेगा वो महाराष्ट्र लोकेशन के लिए दोस्तों। यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया के लोग कहीं से भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे जो अप्लाई आप लोग सेम प्रोसीजर से करेंगे, मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आप देख ही रहे हो कि हर एक लोकेशन के लिए, एक राजकोट के लिए भी है यहाँ पे MD रेडियोलॉजिस्ट के लिए, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट के लिए MD DN भी होना ज़रूरी है इसके अंदर। क्लिनिकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, BA MS BHMS होना ज़रूरी है, ठीक है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। अप्लाई करने का सेम लिंक है, सेम डिटेल्स आपको फिल करना है ईमेल और कॉन्टैक्ट के साथ। आप लोगों को कॉन्टैक्ट आपका और ईमेल एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे देना है, एक्यूरेट देंगे तब जाके कॉन्टैक्ट आपको कंपनी करेगी, होटल आपको हॉस्पिटल करेगी, ठीक है। ये लोकेशन है नागपुर के लिए। अगला वैकेंसी है रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए, इसमें 1 साल से 7 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आप लोग ने MBBS किया है तभी जाके आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें, स्पेशली यहाँ पे जो लोकेशन है वो नागपुर के लिए। और नर्स, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे भी जो मेरे पास आता है नर्स का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो नर्स में BSc GNM विद 2 to 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है दोस्तों, तभी जाके आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोकेशन रहेगा वो नागपुर रहेगा, नागपुर के लिए आप लोग अप्लाई करें, 2 से 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और डिटेल्स आप लोग फिल करें और आपका रिज्यूम है वो सबमिट कर दें। SICU रजिस्ट्रार के लिए वैकेंसी है यहाँ पे, MD DA एनेस्थीसिया फ्रेशर भी यहाँ पे चल जाएगा और एक्सपीरियंस भी चल जाएगा। जो लोकेशन है वो नागपुर है, देखिए मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो नागपुर साइड के लिए निकली हुई है, तो नागपुर में आप लोग ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों, ठीक है। देखिए अभी अगला वैकेंसी है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के लिए है, DM DNB होना ज़रूरी है विद डॉक्टर डिग्री, मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरी है। अगला वैकेंसी है पेडियाट्रिशियंस के लिए है दोस्तों, यहाँ पे MD DNB होना ज़रूरी है। ये डिग्री अगर आप लोग ने किया है तब मिनिमम आप लोग का 8 साल से 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग यहाँ पे हासिल होना चाहिए, तब जाके आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो वैकेंसी है उसके बारे में बता देता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। देखिए मैं काफ़ी मतलब पढ़ के यहाँ पे मैं भी थक गया हूँ, लेकिन वैकेंसी ख़त्म नहीं हो रहा है, बिकॉज़ ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, तो आप लोग अप्लाई ज़रूर करें। देखिए ये जो अगला वैकेंसी है कार्डियोवैस्कुलर के लिए है, सर्जन के लिए है, MCHDNB होना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है वो देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस 5 ईयर्स मिनिमम है वो होना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है, तभी जाके आप लोग अप्लाई करें। कंसल्टेंट डॉक्टर का वैकेंसी है, उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही जल्दी ये वैकेंसी का जो लास्ट डेट है वो आने वाला है, उससे पहले ही आप लोग यहाँ पे जल्दी से फॉर्म फिल कर दें और सबमिट कर दें, ठीक है। और इस बात की एश्योरिटी मैं देता हूँ कि आप लोग को जल्दी से कॉल आएगा और आप लोग का सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चंस पूछना है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर मुझे समय मिलेगा तो आप लोग को ज़रूर मैं आंसर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप लोग एक और बात, अगर आप लोग किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड प्रोडक्ट आप लोग लेना चाहते हैं या आप लोग रेफ़र भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को, मैं उसका लिंक वेबसाइट अपना डाल दूंगा, ठीक है, उससे आप लोग हमारे प्रोडक्ट्स को आप ख़रीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।